रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमैरास क्रिएशन। आज हम आपको मैंगो की चटनी बनाना सिखाएंगे। इसमें हमें चाहिए 3 kg, हमारी ये मैंगो है, कच्चा आम था जिसको मैंने कुछ को बारीक काटा है और कुछ मोटे स्लाइसेस में काट लिया था। हमारी 1.5 किलो हमारी चीनी है, अदरक है तकरीबन 1.5 इंच का वो पीस था जिसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया। चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून, ज़ीरा है हमारा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर क्रश्ड है, बारीक नहीं है, फाइन नहीं है, ब्लैक पेपर हमने 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 कप हमने सिरका लिया। इसमें हम सबसे पहले मैंगो कच्चे आम सबसे पहले हम इसमें 1/2 ग्लास पानी का डालेंगे और इसको ढक के रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखें ये कितना अच्छा सा पक गया। इसमें हमने 1 ग्लास पानी डाला था और उसको हल्की आग पे आपने रखना है और 10 मिनट्स के बाद इसकी शक्ल आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे इसमें हम चॉप किया हुआ जिंजर डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे, बाकी ज़ीरा और चिली फ्लेक्स हम लास्ट में डालेंगे। अब 10 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसमें चिली फ्लेक्स और ज़ीरा भी डाल देंगे। इसके बाद इसमें अब हम ये जो हमने शुगर रखी हुई थी वो डालनी है। इसके बाद ये जब डिज़ोल्व होगी तो इसका पानी निकलेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अब चीनी ने शुगर ने इसमें थोड़ा सा डिज़ोल्व होने के बाद ज़रा पतली हो जाएगी तो इसको 10 मिनट हम पकने देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर लास्ट में जब बिल्कुल थिक हो जाएगी फिर हमने सिरका डालना है। आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं, मुझे थोड़ा सा येलो कलर पसंद है, मैं येलो फूड कलर 1 पिंच डालूँगी। आप इसमें येलो के अलावा रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं, अप टू यू। ये देखें कितनी अच्छी है, अब चीनी इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है और इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है, ये सारे ज़ीरा और इन चीज़ों का है। अब हम इसके अंदर सिरका डालेंगे। ये 1 कप सिरका है ये इसके अंदर हम डाल देंगे। बस ये फाइनल टच है, अब इसको थोड़ा सा थिक करना है हमने और उसके बाद ये रेडी है, फिर हम आपको इसको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखें मैं इसका इस चटनी का आपको कलर दिखाती हूँ। कितना अच्छा सा है, अब ये जैसे ही थिक होती है तो इसको हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। थिक होने के बाद हम थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डालेंगे। ये हम कलर डालेंगे थोड़ा सा, ये देखें हमारी रेडी हो चुकी है चटनी। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, बड़ा अच्छा कलर भी आ गया है और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। Thank you.
Mm-hmm.